हेलो गाइस, हाउ आर यू। एक नई वीला के साथ मैं बाली आ चुका हूँ। तो सुबह के 6 बजे है और ड्राइवर ने कॉल किए, तो हमने निकलना है बाली की ट्रिप पर जाना है। तो एक अच्छा वीला आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो चलते हैं गाड़ी की तरफ। मैं होटल से निकल चुका हूँ और अभी जा रहा हूँ। यस, ये ड्राइवर वेट कर रहे हैं, तो मैं इसके साथ जाऊंगा अभी। हाउ आर यू? यस बिलाल, ओके। यस आई एम रेडी, माय फ्रेंड इज आल्सो कमिंग, ओके। तो ये हमारा होटल है, एक छोटा सा स्विमिंग पूल भी है। सनोर सनोर, नो बट वी विल गो टू सनोर, ओके लेट्स गो। तो ये हमारा होटल है, बहुत प्यारा होटल है, बाली के अंदर है। और ये साहब बहुत ज़्यादा सैड है, तो हम चलते हैं अपनी गाड़ी की तरफ। फिर ये रिसेप्शन है हमारे होटल का। ये होटल के अंदर कुछ है, इन लोगों ने पता नहीं कुछ गोल्डन रंग की चीज़ें रखी है, हिंदू का लग रहा है। ये स्वागत करते हैं, ये दोनों स्वागत करते हैं। और ये हमारा गाड़ी है, टैक्सी में 15-20 मिनट का सफ़र करके उसके बाद हम क्रूज़ के पास पहुंच गए हैं। हमारा पूरा टीम है, ये ऊपर झंडे वाला जो बंदा है उसके पीछे हमने जाना है। और आगे चलते हैं, देखते हैं किस साइड से जाना होगा। ये हम इंजन का आवाज़ बहुत तेज़ था, इस वजह से अभी हम वीडियो बना रहे हैं। अब हम ब्रोकन बीच में आ चुके हैं, लंबे सफर के बाद इसको कहते हैं ब्रोकन बीच। ये हमारा टीम है और उस साइड पर भी बीच है और ये सारे पहाड़ी इलाके हैं और उस साइड पर फिर से बीच है, लेकिन इसको कहते हैं ब्रोकन बीच। ये ब्रोकन बीच का दूसरा साइड है। ये सारे जितने भी टूरिस्ट है ये आ रहे हैं इंडोनेशिया बाली। इसको कहते हैं स्प्लिट बीच, और स्प्लिट बीच इसको क्यों कहते हैं उस जगह की वजह से इसको कहते हैं स्प्लिट बीच। तो आगे हम चलते हैं अनदर बीच पे, वो भी आपको दिखा देते हैं, लेकिन शोर बहुत ज़्यादा है, आवाज़ क्लियर नहीं आएगा। तो ये अब हम क्लैंकिंग बीच में आ चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पर बड़े बड़े जजीरे भी है, उस साइड पर मैं जाता हूँ और दिखा देता हूँ। ये देख, बहुत बड़े बड़े जजीरे और बीच एकदम से क्लीन है, साफ है। बहुत सारे टूरिस्ट आ चुके हैं, इंजॉय कर रहे हैं। अब ये हम बाली में एक और जगह पर आ चुके हैं, इसको कहते हैं क्रिस्टल बे। काफ़ी ज़बरदस्त जगह है और यहाँ पर भी बीच है और जजीरे भी है बड़े बड़े। ये हमारा गाड़ी है और ये कुछ टेंपल्स हैं, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। बहुत खूबसूरत मौसम है, गर्मी है, वैसे ज़्यादा गर्मी है, लेकिन ये है कि समंदर का जो पानी है और समंदर की जगह पर वैसे भी मौसम अच्छा होता है। तो ऊपर सारे के सारे जंगलात है और जंगलात के बीच बीच ये समंदर है।